अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शिकेबर वर और आप देख रहे हैं पाक जॉब्स इन ईडीयू यूट्यूब चैनल। दोस्तों आपको अपने यूट्यूब चैनल में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों जिस चीज़ का आप इंतजार कर रहे थे, आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंदर दोस्तों बाकायदा तौर पर इश्तिहार जारी हो चुका है। दोस्तों वो जो पहला जो इश्तिहार था वो भी रियल था, दोस्तों ये भी रियल है और इसकी जो बाकायदा जो है नीचे वेबसाइट भी उन्होंने बता दी है कि जहाँ पर आपने जाके अप्लाई करना है। और जिन दोस्तों ने मतलब बुरा भला कहना था वो दोस्त अब देख लें, इसका बाकायदा तौर पर इश्तिहार आ चुका है, वो भी जेन्युइन था। मैं उसे भी जो है अभी डिफेंड कर रहा हूँ, इसे भी डिफेंड कर रहा हूँ और ये अभी पाकिस्तान के जितने भी न्यूज़ जो है वो इसके न्यूज़पेपर्स हैं वहाँ पे ये इश्तिहार पब्लिक हो चुका है। तो दोस्तों अब बात करें कि इसमें कौन कौन सी असामियाँ हैं, आपने अप्लाई किस तरीके से करना है, अप्लाई जो है करने की क्या लास्ट डेट है, तमाम अपडेट्स दोस्तों आप दोस्तों के साथ इसी वीडियो के अंदर शेयर करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों वीडियो आपने एंड तक वॉच करनी, वीडियो आपने स्किप नहीं करनी, चैनल आपने सब्सक्राइब कर देना है ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों जैसे कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, मुलाजमत के मौके फेडरल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की दोस्तों वैकेंसीज हैं। ये मैं आपको कंफर्म अपडेट बता रहा हूँ कि ये आईबी की वैकेंसीज अनाउंस हो चुकी हैं, जिसके अंदर टेक्नीशियन की दोस्तों वैकेंसीज हैं। टेक्नीशियन के बाद देखें इसके अंदर कोटा कौन सा जी, पंजाब का है, बलोचिस्तान, आज़ाद कश्मीर, और इसके अलावा टोटल इसके अंदर चार असामियाँ हैं दोस्तों। इसके अलावा जी डेटा एंट्री ऑपरेटर की वैकेंसीज आई हैं, इसमें जो है आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए और इसके अंदर टोटल जो है वो पाँच असामियाँ हैं। स्टेनोटाइपिस्ट की दोस्तों टोटल 27 वैकेंसीज हैं। इंटरमीडिएट आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, 18 साल से लेकर 30 साल जो है वो एज लिमिट है दोस्तों। इसके अलावा जीडी स्पाई, अब दोस्तों जीडी स्पाई की दोस्तों वैकेंसी अनाउंस हुई है जी। सेकेंड क्लास आपके पास इंटरमीडिएट इसके लिए आपके पास होनी चाहिए, 5 फुट 7 इंच आपके पास कद हो, 32 लेकर 35.5 इंच आपकी जो है वो आपकी हाइट होनी चाहिए, और फीमेल्स के लिए बात करें 5 फुट 2 इंच, और रनिंग जो इन्होंने करनी होगी फीमेल ने 1 किलोमीटर रनिंग करनी होगी 10 मिनट में, और मेल ने जो है दोस्तों करनी होगी 8 मिनट में 1 किलोमीटर। अब दोस्तों बात करें, अब नेक्स्ट जो है वो वैकेंसी जो अनाउंस हुई है जी, BPS 11 की वैकेंसीज हैं जी। ये क्योंकि क्लियर जो है नज़र नहीं आई अखबार के अंदर, इसी तरह ये आइए जी इंटरमीडिएट की वैकेंसीज, टोटल जो है वो 24 असामियाँ। टेक्नीशियन की दोस्तों वैकेंसी अनाउंस हुई हैं, 22 जो है वो वैकेंसी अनाउंस हो चुकी हैं दोस्तों। इसके लिए आपके पास FSC होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस में, या आपके पास कोई डिप्लोमा हो, लेकिन आपके पास 6 साल का एक्सपीरियंस लाजमी होना चाहिए। 22 वैकेंसी हैं दोस्तों। इसके अलावा जी डार्क रूम असिस्टेंट, दोस्तों ये वही वैकेंसी जो टाइम भी अनाउंस हुई थी, लेकिन वो कह रहे थे ये वैकेंसी होती नहीं है। अब आप देख लें, तसल्ली कर लें उन लोगों के मुंह में क्या गया। अभी अब आप दे सकते हैं इंटरमीडिएट के आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, 18 साल से लेकर 30 साल एज लिमिट है। इसके अलावा दोस्तों लेबॉरेटरी असिस्टेंट 18 साल से लेकर 30 साल तक इंटरमीडिएट आपके पास क्वालिफिकेशन हो, सिर्फ पंजाब के लोग अप्लाई कर सकते हैं। ऑटो इलेक्ट्रिशियन की एक ही वैकेंसी है मेट्रिक साइंस के साथ, और गवर्नमेंट के मंजूरशुदा अदारे से आपके पास ऑटो इलेक्ट्रिशियन के अंदर 1 साल का तजर्बा, 18 साल से लेकर 30 साल के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों इसके अलावा जी जीडी स्पाई की एक और जो वैकेंसीज है, मैट्रिक आपके पास क्वालिफिकेशन हो, जिसके अंदर मेरिट में 14 दोस्तों, इसके अलावा पंजाब में 94, सिंध देही में 22, और दोस्तों इसके अलावा जी सिंध शहरी में 14, खैबर पख्तूनख्वा में 22, बलोचिस्तान में 11, अवरान 2, हरनाई में 1, वाशुक, इसके अलावा जी सोराब कबायली अजला में 6, इसके अलावा जी एफ टांग में, मतलब टोटल जो दोस्तों वैकेंसीज 207 वैकेंसीज अनाउंस हो चुकी हैं दोस्तों। सिंपली आपके पास मैट्रिक होनी चाहिए, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है दोस्तों। और फिजिकल की बात करें तो 5 फुट 7 इंच आपके पास हाइट हो, रनिंग आपने दोस्तों जो है करनी पड़ेगी, आपको इसके लिए 8 मिनट दिए जाएंगे, और आपने 1.6 किलोमीटर जो है वो रनिंग करनी है, फीमेल ने रनिंग करनी 1.6 किलोमीटर, और 10 मिनट आपको दिए जाएंगे, 5 फुट 2 इंच आपके पास हाइट होनी चाहिए। और दोस्तों इसके अलावा अब बाकी जो असामी की बात करें तो दोस्तों स्टाफ कार ड्राइवर की वैकेंसी है, 18 साल से लेकर 35 साल के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, 7 असामियाँ जी। इसके अलावा जी एनसी की प्राइमरी आपका पास हो, 18 साल से लेकर 30 साल आपकी एज लिमिट होनी चाहिए, 13 असामियाँ, और दोस्तों इसके अलावा बेहश्ती की असामियाँ 1 असामियाँ। अब दोस्तों बात करें आपने इसमें अप्लाई किस तरीके से करना है, तो दोस्तों आपने सिंपली चले जाना है गूगल के ऊपर, आपने वहाँ पर टाइप करना है LEA1jobs.pk। दोस्तों ये इंटेलिजेंस ब्यूरो की जो वेबसाइट है जिसके ऊपर जो है आप अप्लाई कर सकते हैं, और वहाँ पे बताए हुए कि आप दीगर किसी वेबसाइट या ऑनलाइन फोरम पर इस सिलसिले में दरख्वास्त की रजिस्ट्रेशन ना करें, आपने सिर्फ इसी वेबसाइट के ऊपर अप्लाई करना है। और दोस्तों इसमें जो अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो क्लियरली सुन लें दोस्तों, मैं दोबारा बता रहा हूँ कि इसमें जो अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है दोस्तों वो 18 अगस्त 2024 है। आपने अप्लाई इसमें ऑनलाइन ही करना है, बाकी इंशाल्लाह आपने इसमें
इसमें अप्लाई आपने किस तरीके से करना है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो का आपने जो है वो इंतज़ार करना है, जिसके अंदर मैं सारी जो है वो डिटेल्स बताऊंगा कि आपने इसमें अपना लॉगिन किस तरीके से करना है। आपने इसके अलावा लॉगिन करने के बाद आपकी जो ईमेल वेरिफिकेशन होगी, और आपने इसके अंदर अपना साइनअप जैसे आपका कंप्लीट हो जाएगा, आप इसमें ऑनलाइन आपने अप्लाई किस तरीके से करना है, तमाम अपडेट्स दोस्तों इंशाल्लाह वो अपडेट्स अप्लाई करने की मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर करूँगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी और वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल भी साबित हुई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, दो में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।